बबेरू नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रत्याशियों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। समाजवादी पार्टी ने बसदैया यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जबकि भाजपा ने विवेकानंद गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो राम नरेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है और आजाद समाज पार्टी ने फूल चंद्र सोनी को अपना प्रतिनिधि चुना है। मेरा नामांकन बढ़िया रहा, पब्लिक में साथ है और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो चारों कदम विकास होगा। 16 वार्ड में गरीबों का और हर जगह रास्ते बनवाऊंगा, पानी का निकास कराऊंगा और ये सब चीजें करूंगा मैं अपने कार्यकाल। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है जनता? समर्थन मुझको बहुत अच्छा मिल रहा है, भरपूर समर्थन हो रहा है और चुनाव यहाँ तक होगा तो मैं क्रॉस भी कर जाऊंगा। मेरी यही वो है कि सब लोग मेरे साथ रहते हैं। नगर पंचायत में आज तक जो भी परंपरागत तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उनको ना तो सुधारा गया है ना तो बदलने का प्रयास किया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस बबेरू में जो जल निकासी की बहुत विकराल समस्या है और मेरे पत्रकार बंधु जो तो मेरे सामने मौजूद है और आपने हमेशा एक विषय को उठाया बबेरू में जाम की समस्या को, जाम को हम बबेरू के व्यापारियों का कम से कम नुकसान हो और उस जाम को से हम निजात कैसे दिलाएं, इस दिशा पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। नेशन मिरर के लिए बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।